नमस्ते छात्रों, बच्चों, आप सभी मंदिर या पूजा घर में जाते हैं। माँ बाप के साथ पूजा घर या मंदिर में जाकर हम क्या करते हैं भला? हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किस लिए करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम सभी प्रार्थना मन शांति के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भगवान से जो भी हम मांगते हैं उसे हम वरदान कहते हैं। भला हर किसी को वरदान की चाहत होती है, हर कोई भगवान से कुछ ना कुछ पाना चाहता है। पुराणों में भी हमने देखा है कि बहुत सालों से पुराणों में हमने देखा कि वरदान पाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी गण साधना किया करते थे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। वरदान जो है ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मेहनत करनी ही है तो कवि शिव मंगल सिंह हमें बताना चाहते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन जी हमें बताना चाहते हैं कि मेहनत करना जरूरी है। और वो खुद ऐसा चाहते हैं कि वरदान तो हर कोई मांग सकता है, लेकिन कवि की सोच यह है कि वो वरदान मांगना नहीं चाहते, किसी के हाथ सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते। और इसीलिए आज का यह विषय है कि वरदान मांगूंगा नहीं। आज हम यह कविता पढ़ने वाले हैं कि वरदान मांगूंगा नहीं।